गबन उपन्यास भाग 41। रतन पत्रों में जालपा को तो धाद स देती रहती थी, पर अपने विषय में कुछ न लिखती थी। जो आप ही व्यथित हो रही हो, उसे अपनी व्यथाओं की कथा क्या सुनाती। वही रतन जिसने रुपयों की कभी कोई हैसियत न समझी, इस एक ही महीने में रोटियों को भी मोहताज हो गई थी। उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी न हो, पर उसे किसी बात का अभाव न था। मरियल घोड़े पर सवार होकर भी यात्रा पूरी हो सकती है, अगर सड़क अच्छी हो, नौकर चाकर, रुपए पैसे और भोजन आदि की सामग्री साथ हो, घोड़ा भी तेज हो, तो पूछना ही क्या। रतन की दशा उसी सवार की सी थी, उसी सवार की भांति वह मंदगति से अपनी जीवन यात्रा कर रही थी। कभी कभी वह घोड़े पर झुंझलाती होगी, दूसरे सवारों को उड़े जाते देखकर उसकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी इसी तरह उड़ती, लेकिन वह दुखी न थी, अपने नसीबों को रोती न थी। वह उस गाय की तरह थी जो एक पतली सी पगहिया के बंधन में पड़कर अपनी नाद के भूसे खली में मगन रहती है। सामने हरे हरे मैदान है, उसमें सुगंधमय घासें लहरा रही है, पर वह पगहिया तुड़ाकर कभी उधर नहीं जाती। उसके लिए उस पगहिया और लोहे की जंजीर में कोई अंतर नहीं। यौवन को प्रेम की इतनी क्षुधा नहीं होती जितनी आत्म प्रदर्शन की। प्रेम की क्षुधा पीछे आती है। रतन को आत्म प्रदर्शन के सभी उपाय मिले हुए थे। उसकी युवती आत्मा अपने श्रृंगार और प्रदर्शन में मग्न थी। हंसी, विनोद, सैर सपाटा, खाना पीना, यही उसका जीवन था, जैसा प्रायद्य सभी मनुष्यों का होता है। इससे गहरे जल में जाने की न उसे इच्छा थी, न प्रयोजन। संपन्नता बहुत कुछ मानसिक व्यथाओं को शांत करती है। उसके पास अपने दुर्देखों को भुलाने के कितने ही ढंग हैं। सिनेमा है, थिएटर है, देश भ्रमण है, ताश है, पालतू जानवर हैं, संगीत है, लेकिन विपन्नता को भुलाने का मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं, इसके सिवा कि वह रोए, अपने भाग्य को कोसे या संसार से विरक्त होकर आत्महत्या कर ले। रतन की तकदीर ने पलटा खाया था, सुख का स्वप्न भंग हो गया था और विपन्नता का कंकाल अब उसे खड़ा घूर रहा था, और यह सब हुआ अपने ही हाथों। पंडित जी उन प्राणियों में थे जिन्हें मौत की फिक्र नहीं होती। उन्हें किसी तरह ये भ्रम हो गया था कि दुर्बल स्वास्थ्य के मनुष्य अगर पथ्य और विचार से रहें तो बहुत दिनों तक जी सकते हैं। वो पथ्य और विचार की सीमा के बाहर कभी न जाते, फिर मौत को उनसे क्या दुश्मनी थी जो ख्वामख्वाह उनके पीछे पड़ती। अपनी वसीयत लिख डालने का ख्याल उन्हें उस वक्त आया जब वह मरणासन हुए, लेकिन रतन वसीयत का नाम सुनते ही इतनी शोकातुर, इतनी भयभीत हुई कि पंडित जी ने उस वक्त टाल जाना ही उचित समझा। तब से फिर उन्हें इतना होश न आया कि वसीयत लिखवाते। पंडित जी के देहावसान के बाद रतन का मन इतना विरक्त हो गया कि उसे किसी बात की भी सुध बुध न रही। यह वह अवसर था जब उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए था, इस भांति सतर्क रहना चाहिए था मानो दुश्मनों ने उसे घेर रखा हो। पर उसने सब कुछ मणिभूषण पर छोड़ दिया और उसी मणिभूषण ने धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि सरला रतन को उसके कपट व्यवहार का आभास तक न हुआ। फंदा जब खूब कस गया तो उसने एक दिन आकर कहा, आज बंगला खाली करना होगा, मैंने इसे बेच दिया है। रतन ने जरा तेज होकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं अभी बंगला ना बेचूंगी। मणिभूषण ने विनय का आवरण उतार फेंका और त्योरी चढ़ाकर बोला, आप में बातें भूल जाने की बुरी आदत है। इसी कमरे में मैंने आपसे ये जिक्र किया था और आपने हामी भरी थी। जब मैंने बेच दिया तो आप ये स्वांग खड़ा करती हैं, बंगला आज खाली करना होगा और आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं अभी यही रहना चाहती हूँ, मैं आपको यहाँ न रहने दूंगा। मैं तुम्हारी लौड़ी नहीं हूँ, आपकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, अपने कुल की मर्यादा रक्षा के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। रतन ने होंठ चबाकर कहा, मैं अपनी मर्यादा की रक्षा आप कर सकती हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ कोई चीज नहीं बेच सकते। मणिभूषण ने वज्र सा मारा, आपका इस घर पर और चाचा जी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, वह मेरी संपत्ति है, आप मुझसे केवल गुजारे का सवाल कर सकती हैं। रतन ने विस्मित होकर कहा, तुम कुछ भंग तो नहीं खा गए हो? मणिभूषण ने कठोर स्वर में कहा, मैं इतनी भंग नहीं खाता कि बेसिर पैर की बातें करने लगूं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, एक बड़े वकील की धर्मपत्नी थी, कानून की बहुत सी बातें जानती होंगी। सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। चाचा जी और मेरे पिताजी में कभी अलगौजा नहीं हुआ, चाचा जी यहाँ थे, हम लोग इंदौर में थे, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि हम में अलगौजा था।
अगर चाचा अपनी संपत्ति आपको देना चाहते तो कोई वसीयत अवश्य लिख जाते, और यद्यपि वह वसीयत कानून के अनुसार कोई चीज न होती, पर हम उसका सम्मान करते। उनका कोई वसीयत न करना साबित कर रहा है कि वह कानून के साधारण व्यवहार में कोई बाधा न डालना चाहते थे। आज आपको बंगला खाली करना होगा, मोटर और अन्य वस्तुएं भी नीलाम कर दी जाएंगी। आपकी इच्छा हो मेरे साथ चलें या रहें। यहाँ रहने के लिए आपको 10-11 रुपए का मकान काफी होगा। गुजारे के लिए 50 रुपए महीने का प्रबंध मैंने कर दिया है। लेना देना चुका लेने के बाद इससे ज्यादा की गुंजाइश ही नहीं। रतन ने कोई जवाब न दिया। कुछ देर वो हद बुद्धि सी बैठी रही, फिर मोटर मंगवाई और सारे दिन वकीलों के पास दौड़ती फिरी। पंडित जी के कितने ही वकील मित्र थे, सभी ने उसका वृतांत सुनकर खेद प्रकट किया और वकील साहब के वसीयत न लिख जाने पर हैरत करते रहे। अब उसके लिए एक ही उपाय था, वह ये सिद्ध करने की चेष्टा करे कि वकील साहब और उनके भाई में अलगी हो गई थी। अगर यह सिद्ध हो गया, और सिद्ध हो जाना बिल्कुल आसान था, तो रतन उस संपत्ति की स्वामिनी हो जाएगी। अगर वह ये सिद्ध न कर सकी तो उसके लिए कोई चारा न था। अभागिनी रतन लौट आई। उसने निश्चय किया, जो कुछ मेरा नहीं है उसे लेने के लिए मैं झूठ का आश्रय न लूंगी, किसी तरह नहीं। मगर ऐसा कानून बनाया किसने? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी नगण्य है? क्यों? दिन भर रतन चिंता में डूबी मौन बैठी रही। इतने दिनों वह अपने को इस घर की स्वामिनी समझती रही। कितनी बड़ी भूल थी। पति के जीवन में जो लोग उसका मुंह ताकते थे, वे आज उसके भाग्य के विधाता हो गए। ये घोर अपमान रतन जैसी माननीय स्त्री के लिए असह्य था। माना कमाई पंडित जी की थी, पर यह गांव तो उसी ने खरीदा था। इनमें से कई मकान तो उसके सामने ही बने। उसने यह एक क्षण के लिए भी न ख्याल किया था कि एक दिन ये जायदाद मेरी जीविका का आधार होगी। इतनी भविष्य चिंता वह कर ही न सकती थी। उसे इस जायदाद के खरीदने में, उसके संवारने और सजाने में वही आनंद आता था जो माता अपनी संतान को फलते फूलते देख कर पाती है। उसमें स्वार्थ का भाव न था, केवल अपनेपन का गर्व था, वही ममता थी। पर पति की आंखें बंद होते ही उसके पाले और गोद के खेलाए बालक भी उसकी गोद से छीन लिए गए। उसका उन पर कोई अधिकार नहीं। अगर वह जानती कि एक दिन ये कठिन समस्या उसके सामने आएगी, तो वह चाहे रुपए को लुटा देती या दान कर देती, पर संपत्ति की कील अपनी छाती पर न गाड़ती। पंडित जी की ऐसी कौन बहुत बड़ी आमदनी थी? क्या गर्मियों में वह शिमले न जा सकती थी? क्या 2-4 और नौकर न रखे जा सकते थे? अगर वह गहने ही बनवाती तो एक एक मकान के मूल्य का एक एक गहना बनवा सकती थी, पर उसने इन बातों को कभी उचित सीमा से आगे न बढ़ने दिया। केवल यही स्वप्न देखने के लिए, यही स्वप्न, इसके सिवा और था ही क्या? जो कल उसका था, उसकी ओर आज आंखें उठाकर वह देख भी नहीं सकती। कितना महंगा था वह स्वप्न। हाँ, वह अब अनाथिनी थी। कल तक दूसरों को भीख देती थी, आज उसे खुद भीख मांगनी पड़ेगी, और कोई आश्रय नहीं। पहले भी वो अनाथिनी थी, केवल भ्रमवश अपने को स्वामिनी समझ रही थी। अब उस भ्रम का सहारा भी नहीं रहा। सहसा विचारों ने पलटा खाया। मैं क्यों अपने को अनाथिनी समझ रही हूँ? क्यों दूसरों के द्वार पर भीख मांगूं? संसार में लाखों ही स्त्रियां मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करती हैं। क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती? मैं कपड़ा क्या नहीं सी सकती? किसी चीज की छोटी मोटी दुकान नहीं रख सकती? लड़के भी पढ़ा सकती हूँ, यही न होगा? लोग हंसेंगे, मगर मुझे उस हंसी की क्या परवाह? वह मेरी हंसी नहीं है, अपने समाज की हंसी है। शाम को द्वार पर कई ठेले वाले आ गए। मणिभूषण ने आकर कहा, चाची जी, आप जो जो चीजें कहें लदवा कर भिजवा दूं। मैंने एक मकान ठीक कर लिया है। रतन ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, न तुम मेरे लिए मकान लो। जिस चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं, वह मैं हाथ से भी नहीं छू सकती। मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी, उसी तरह लौट जाऊंगी। मणिभूषण ने लज्जित होकर कहा, आपका सब कुछ है, यह आप कैसे कहती हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं? आप वह मकान देख लें, 15 रुपया किराया है। मैं तो समझता हूँ आपको कोई कष्ट न होगा। जो जो चीजें आप कहें मैं वहाँ पहुँचा दूँ। रतन ने व्यंग्यमय आंखों से देखकर कहा, तुमने 15 रुपए का मकान मेरे लिए व्यर्थ लिया। इतना बड़ा मकान लेकर मैं क्या करूंगी? मेरे लिए एक कोठरी काफी है, जो 2 रुपए में मिल जाएगी। सोने के लिए जमीन है ही, दया का बोझ सिर पर जितना कम हो उतना ही अच्छा। मणिभूषण ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आखिर आप चाहती क्या है, उसे कहिए तो। रतन उत्तेजित होकर बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं इस घर का एक तिनका भी अपने साथ न ले जाऊंगी।
जिस चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं वह मेरे लिए वैसी ही है जैसी किसी गैर आदमी की चीज, मैं दया की भिखारिनी न बनूंगी। तुम इन चीजों के अधिकारी हो, ले जाओ, मैं जरा भी बुरा नहीं मानती। दया की चीज न जबरदस्ती ली जा सकती है, न जबरदस्ती दी जा सकती है। संसार में हजारों विधवाएं हैं जो मेहनत मजूरी करके अपना निर्वाह कर रही हैं। मैं भी वैसे ही हूँ, मैं भी उसी तरह मजूरी करूंगी और अगर न कर सकूंगी तो किसी गड्ढे में डूब मरूंगी। जो अपना पेट भी न पाल सके उसे जीते रहने का, दूसरों का बोझ बनने का कोई हक नहीं है। ये कहती हुई रतन घर से निकली और द्वार की ओर चली। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोक कर कहा, अगर आपकी इच्छा न हो तो मैं बंगला अभी न बेचूं। रतन ने जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा, उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। आंसुओं के उमड़ते हुए वेग को रोक कर बोली, मैंने कह दिया, इस घर की किसी चीज से मेरा नाता नहीं है। मैं किराए की लौड़ी थी, लौड़ी का घर से क्या संबंध है? न जाने किस पापी ने ये कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं है और उसके यहाँ कोई न्याय होता है तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूंगी, क्या तेरे घर में माँ बहने न थी? तुझे उनका अपमान करते लज्जा न आई? अगर मेरी जबान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज पहुंचती तो मैं सब स्त्रियों से कहती, बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, और अगर करना तो जब तक अपना घर अलग न बना लो, चैन की नींद मत सोना। यह मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा। अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई लड़का नहीं छोड़ा तो तुम अकेली रहो चाहे परिवार में, एक ही बात है, तुम अपमान और मजूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो अकेली रहकर तुम उसे भोग सकती हो, परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की शैया है, तुम्हारा पार लगाने वाली नौक नहीं, तुम्हें निगल जाने वाला जंतु। संध्या हो गई थी, गर्द से भरी हुई फागुन की वायु चलने वालों की आंखों में धूल झोंक रही थी। रतन चादर संभालती सड़क पर चली जा रही थी। रास्ते में कई परिचित स्त्रियों ने उसे टोका, कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बैठने को कहा, पर रतन को उनकी सहृदयता इस समय बांसी लग रही थी। वह तेजी से कदम उठाती हुई जालपा के घर चली जा रही थी। आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ था। गबन उपन्यास भाग 42। ठीक 10 बजे जालपा और देवी दीन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की काफी भीड़ थी, ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदों में और सामने के मैदान में खड़े थे। जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी देवी दीन बरामदे में खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब के एक तरफ अहमद था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतजार कर रहे थे। मुलजिमों की संख्या 15 से कम न थी। सब कटघरे के बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। दो पंजे लड़ा रहे थे, दो में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी प्रसन्नचित थे, घबराहट, निराशा या शोक का किसी के चेहरे पर चिन्ह भी ना था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जाब्ते की कुछ बातें हुई, फिर दो एक पुलिस की शहादतें हुई। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी सी फैल गई। कोई तंबोली की दुकान से पान खाता हुआ भागा, किसी ने समाचार पत्र को मरोड़कर जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए। जालपा भी संभल कर बारजे में खड़ी हो गई। वह चाहती थी कि एक बार रमा की आंखें उठ जाती और वह उसे देख लेती, लेकिन रमा सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर उधर देखते डर रहा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हुआ इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा है और भागने की कोई राह नहीं है। जालपा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो। रमा का बयान शुरू हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी, दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिए, तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फीका कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही वह एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर टिक गई, मगर फिर दिल न माना। जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी जिसका आशय वह देवी दीन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाएं, लेकिन रमा का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज पहचान ली या आत्मग्लानी का भाव उदय हो गया। उसका स्वर भी कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने जो जालपा के साथ ही बैठी थी नाक सिकोड़ कर कहा, जी चाहता है
इस दुष्ट को गोली मार दे। ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस देश में पड़े हैं जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधों के गले पर छुरी उधारने से भी नहीं हिचकते। जालपा ने कोई जवाब न दिया। एक दूसरी महिला ने जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी, निराशा के भाव से कहा, इस अभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नरी तो लाला को कहीं नहीं मिल जाती, अधिक से अधिक कहीं क्लर्क हो जाएंगे। उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई मरभुखा नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना और छिछोरा। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर पूछा, आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो? ऐनकबाज देवी ने उद्दंडता से कहा, नाक काट लूं, बस नकटा बनाकर छोड़ दूं। और जानती हो मैं क्या करूं? नहीं, शायद गोली मार दोगी। ना, गोली न मारूं, सरे बाजार खड़ा करके 500 जूते लगवाऊं, चांदगंजी हो जाए। उस पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आएगी। ये कुछ कम दया है, उसकी पूरी सजा तो यह है कि किसी ऊंची पहाड़ी से धकेल दिया जाए। अगर यह महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते। एक वृद्धा ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा, क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो? वह घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला हो गया है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। अपनी माँ या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़े। आदमी दिल का बुरा नहीं है, पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकल रहा हो। ऐनक वाली महिला ने व्यंग किया, जब अपने पांव कांटा चुभता है तब आह निकलती है। जालपा अब वहां न ठहर सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर गगोले डाले देती थी। ऐसा जी चाहता था कि इसी वक्त उठकर कह दे, यह महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और इसी वक्त इसका सबूत दे दे। वो इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थी। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। क्यों वो इसी वक्त सारा वृतांत नहीं कह सुनाती? पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी, हो जाए कुछ तो अदालत को ख्याल होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगा कि यह झूठी शहादत है। उसके मुंह से एक बार आवाज निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय ने उसकी जबान पकड़ ली। आखिर उसने वहां से उठकर चले आने ही में कुशल समझी। देवी दीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया और दया से सने हुए स्वर में बोला, क्या घर चलती हो बहू जी? जालपा ने आंसुओं के वेग को रोक कर कहा, हाँ यहाँ अब नहीं बैठा जाता। हाथे के बाहर निकलकर देवी दीन ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सुंघा दी उस पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं हो सकता। जालपा ने घृणा भाव से कहा, ये सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब और तो कहीं अपील न होगी, कैदियों का यही फैसला हो जाएगा। देवी दीन इस प्रश्न का आशय समझ गया, बोला, नहीं, हाईकोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जालपा एक वृक्ष की छांव में खड़ी हो गई और बोली, दादा मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर सारा हाल कह दूं, शुरू से जो कुछ हुआ सब कह सुनाऊं, मैं सबूत दे दूंगी तब तो मानेंगे। देवी दीन ने आंखें गाड़ कर कहा, जज साहब से? जालपा ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवी दीन ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी, हाकिम का वास्ता अब न जाने चित पड़े या पट। जालपा बोली, क्या पुलिस वालों से यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कह तो सकता है, तो आज मैं उससे मिलूं, मिल तो लेता है। चलो दरियारती करेंगे, लेकिन मामला जोखिम है। क्या जोखिम है बताओ? भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्जाम लगाकर सजा कर दे तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवी दीन ने जालपा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ा डर उसी का है। जालपा ने उद्यत भाव से पूछा, वह क्या? देवी दीन, पुलिस वाले बड़े काया होते हैं, किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर ये सब हाल कहेंगे जरूर। कमिश्नर सोचेंगे कि यह औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस की तंबीह करता, हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चूं करते डरते हैं कि कहीं हमारे ही ऊपर न बगावत का इल्जाम लग जाए। यही बात है, जज साहब पुलिस कमिश्नर से जरूर कह सुनावेंगे, फिर ये तो न होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए।
यही होगा कि कलई न खुलने पावे। कौन जाने तुम ही को गिरफ्तार कर लें। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कलई खोलने पर उतावली हो जाता है तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है। जालपा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया। उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल मारकर आई हो। उसका सारा सत्साहस बर्फ के समान पिघल गया। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसने देवी दीन से पूछा, अब तो उनसे मुलाकात न हो सकेगी? देवी दीन ने पूछा, भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं, पहरा और कड़ा कर दिया गया होगा। चाहे उस बंगले को ही छोड़ दिया हो और अब उनसे मुलाकात हो भी गई तो क्या फायदा, अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते, दरोगहलगी में फंस जाएंगे। कुछ दूर और चलकर जालपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊं, यहाँ रहकर अब क्या करूंगी। देवी दीन ने करुणा भरी हुई आंखों से उसे देखकर कहा, नहीं बहू, अभी मैं न जाने दूंगा, तुम्हारे बिना अब हमारा यहाँ पल भर भी जीना लगेगा, बुढ़िया तो रो रो कर प्राण ही दे देगी, अभी यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं इतना कच्चे दिल का आदमी नहीं समझता था, तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं, मुझे तो कोई 100 रुपए भी तलब दे तो नौकरी न करूं, अपने रोजगार की बात ही दूसरी है, इसमें आदमी कभी थकता ही नहीं। नौकरी में जहां 5 से 6 घंटे हुए कि देह टूटने लगी, जम्हाया आने लगी। रास्ते में और कोई बातचीत न हुई। जालपा का मन अपनी हार मानने के लिए किसी तरह राजी न होता था। वो परास्त होकर भी दर्शक की भांति यह अभिनय देखने से संतुष्ट न हो सकती थी। वो उस अभिनय में सम्मिलित होने और अपना पार्ट खेलने के लिए विवश हो रही थी। क्या एक बार फिर रमा से मुलाकात न होगी? उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वो उससे कहना चाहती थी। उसे रमा पर जरा भी दया न आती थी, उससे रत्ती भर सहानुभूति न होती थी। वो उससे कहना चाहती थी, तुम्हारा धन और वैभव तुम्हें मुबारक हो। जालपा उसे पैरों से ठुकराती है। तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी, उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं, तुम काया हो, काया। जालपा का मुखमंडल तेजमय हो गया, गर्व से उसकी गर्दन तन गई। यह शायद समझते होंगे, जालपा जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांध घोड़े पर सवार देखेगी, फूली न समाएगी। जालपा इतनी नीच नहीं है, तुम घोड़े पर नहीं, आसमान में उड़ो, मेरी आंखों में हत्यारे हो, पूरे हत्यारे, जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई। मैंने चलते चलते समझाया था, उसका कुछ असर न हुआ। ओह, तुम इतने धन लोलुप हो, इतने लोभी, कोई हर्ज नहीं। जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इन्हीं संतप्त भावनाओं में डूबी हुई जालपा घर पहुंची। गबन उपन्यास भाग 43। एक महीना गुजर गया। जालपा कई दिन तक बहुत विकल रही। कई बार उन्माद सा हुआ कि अभी सारी कथा किसी पत्र में छपवा दूं, सारी कलई खोल दूं, सारे हवाई किले धा दूंगी, पर यह सभी उद्वेग शांत हो गए। आत्मा की गहराइयों में छिपी हुई कोई शक्ति उसकी जबान बंद कर देती थी। रमा को उसने हृदय से निकाल दिया था। उसके प्रति अब उसे क्रोध न था, द्वेष न था, दया भी न थी, केवल उदासीनता थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर भी शायद वह न रोती। हाँ, इसे ईश्वरीय विधान की एक लीला, माया का एक निर्मम हास्य, एक क्रूर क्रीडा समझकर थोड़ी देर के लिए वह दुखी हो जाती। प्रणय का वो बंधन जो उसके गले में 2-2.5 साल पहले पड़ा था, टूट चुका था, पर उसका निशान बाकी था। रमा को इस बीच में उसने कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से जाते देखा। उसकी आंखें किसी को खोजती हुई मालूम होती थी। उन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना, पर जालपा ने कभी उसकी तरफ आंखें न उठाई। वो शायद इस वक्त आकर उसके पैरों पर पड़ता तो भी वह उसकी ओर न ताकती। रमा की इस घृणित कायरता और महान स्वार्थपरता ने जालपा के हृदय को मानो चीर डाला था, फिर भी उस प्रणय बंधन का निशान अभी बना हुआ था। रमा की वह प्रेम विनल मूर्ति जिसे देखकर एक दिन वह गदगद हो जाती थी, कभी कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे में क्षीण मलिन निरानंद ज्योत्सना की भांति प्रवेश करती और एक क्षण के लिए वह स्मृतियां विलाप कर उठती, फिर उसी अंधकार और नीरवता का पर्दा पड़ जाता। उसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियां न थी, केवल कठोर नीरस वर्तमान विकराल रूप से खड़ा घूर रहा था। वह जालपा जो अपने घर बात बात पर मान किया करती थी,
अब सेवा, त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति थी। जग्गो मना करती रहती, पर वह मुंह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगा आती, चौका बर्तन कर डालती, आटा गूंद कर रख देती, चूल्हा जला देती। तब बुढ़िया का काम केवल रोटियां सेकना था। छूत विचार को भी उसने ताक पर रख दिया था। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में माँ बेटी का सा प्रेम हो गया था। मुकदमे की सब कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। दोनों पक्ष के वकीलों की बहस हो चुकी थी। केवल फैसला सुनाना बाकी था। आज उसकी तारीख थी। आज बड़े सुबेरे घर के काम धंधों से फुर्सत पाकर जालपा दैनिक पत्र वाले की आवाज पर कान लगाए बैठी थी, मानो आज उसी का भाग्य निर्णय होने वाला है। इतने में देवी दीन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जालपा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवी दीन ने पूछा, फैसला छपा है? जालपा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ है। तो किसकी सजा हुई? कोई नहीं छूटा। एक को फांसी की सजा मिली, 5 को 10-10 साल और 8 को 5-5 साल। उसी दिनेश को फांसी हुई। ये कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों का न जाने क्या हाल होगा। देवी दीन ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन से मैं इन बातों का पता लगा रहा हूँ। 8 आदमियों का तो अभी तक ब्याह ही नहीं हुआ और उनके घर वाले मजे में हैं, किसी बात की तकलीफ नहीं है। 5 आदमियों का विवाह तो हो गया है, पर घर के खुश हैं। किसी के घर रोजगार होता है, कोई जमींदार है, किसी के बाप चचा नौकर हैं। मैंने कई आदमियों से पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है, अगर उनके घर वाले लेना चाहें तो दिया जाएगा। खाली दिनेश तबाह है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया, माँ और औरत। यहाँ किसी सेल में मास्टर था, एक मकान किराए पर लेकर रहता था, उसकी खराबी है। जालपा ने पूछा, उसके घर का पता लगा सकते हो? हाँ, उसका पता कौन मुश्किल है। जालपा ने याचना भाव से कहा, तो कब चलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी तो वक्त है, चलो जरा देखें। देवी दीन ने आपत्ति करके कहा, पहले मैं देख तो आऊं, इस तरह मेरे साथ कहां कहां दौड़ती फिरोगी। जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ ना बोली। देवी दीन चला गया। जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगी, पर उसका ध्यान दिनेश की ओर लगा हुआ था। बेचारा फांसी पा जाएगा, जिस वक्त उसने फांसी का हुक्म सुना होगा उसकी क्या दशा हुई होगी। उसकी बूढ़ी माँ और स्त्री यह खबर सुनकर छाती पीटने लगी होंगी। बेचारा स्कूल मास्टर ही तो था, मुश्किल से रोटियां चलती होंगी, और क्या सहारा होगा। उनकी विपत्ति की कल्पना करके उसे रमा के प्रति उत्तेजना, पूर्ण घृणा हुई कि वह उदासीन न रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इस वक्त वह आ जाए तो ऐसा धिक्कारों कि वह भी याद करें, तुम मनुष्य हो, कभी नहीं, तुम मनुष्य के रूप में राक्षस हो, राक्षस। तुम इतने नीच हो कि उसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं है। तुम इतने नीच हो कि आज कमीने से कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी ने पहले ही क्यों न मार डाला। इन आदमियों की जान तो जाती ही, पर तुम्हारे मुंह में तो कालिक न लगती। तुम्हारा इतना पतन हुआ कैसे? जिसका पिता इतना सच्चा, इतना ईमानदार हो, वह इतना लोभी, इतना काया। शाम हो गई, पर देवी दीन न आया। जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी हो होकर इधर उधर देखती थी, पर देवी दीन का पता न था। धीरे धीरे 8 बज गए और देवी न लौटा। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रमा ने उतरकर जग्गो से पूछा, सब कुशल मंगल है न दादी? दादा कहाँ गए हैं? जग्गो ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह उधर लिया, केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रमा ने सोने की 4 चूड़ियां जेब से निकालकर जग्गो के पैरों पर रख दी और बोला, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ दादी, पहनो, ढीली तो नहीं है। जग्गो ने चूड़ियां उठाकर जमीन पर पटक दी और आंखें निकाल कर बोली, जहाँ इतना पाप समा सकता है वहाँ 4 चूड़ियों की जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियां पहन चुकी और अब भी 1-2 सेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत की कमाई से, किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सिर पर नहीं लादी, नियत नहीं बिगाड़ी। उस कोख में आग लगे जिसने तुम जैसे कपूत को जन्म दिया। ये पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने आए होगे, समझते होगे, तुम्हारे रुपयों की थैली देखकर वह लट्टू हो जाएगी। इतने दिन उसके साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखें उसे न पहचान सकी।
तुम जैसे राक्षस उस देवी के जोग न थे। अगर अपनी कुशल चाहते हो तो इन्हीं पैरों जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, उसके सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे? तुम आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आए होते, तुम्हें सजा हो गई होती, तुम जेल में डाल दिए गए होते तो बहू तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धो धोकर पीती। वो उन औरतों में है जो चाहे मजूरी करें, उपास करें, फटे चीथड़े पहने, पर किसी की बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो तुम्हें जहर दे देती। क्यों खड़े मुझे जला रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? मैंने तुमसे कुछ ले तो नहीं लिया है? रमा सिर झुकाए चुपचाप सुनता रहा। तब आहत स्वर में बोला, दादी, मैंने बुराई की है और इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूंगा, लेकिन तुम मुझे जितना नीच समझ रही हो उतना नीच नहीं हूँ। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी सख्तियाँ की, मुझे कैसी कैसी धमकियाँ दी, तो तुम मुझे राक्षस न कहती। जालपा के कानों में इन आवाजों की भनक पड़ी। उसने जीने से झांक कर देखा। रमानाथ खड़ा था। सिर पर बनारसी रेशमी साफा था, रेशम का बैया कोट, आंखों पर सुनहली ऐनक। इस एक ही महीने में उसकी देह निखर आई थी, रंग भी अधिक गोरा हो गया था। ऐसी कांति उसके चेहरे पर कभी न दिखाई दी थी। उसके अंतिम शब्द जालपा के कानों में पड़ गए, बाज की तरह टूटकर धम-धम करती हुई नीचे आई और जहर में बुझे हुए नौबानों का उस पर प्रहार करती हुई बोली, अगर तुम सख्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम काय हो? तुम्हें अपने को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं। क्या सख्तियां की थी? जरा सुनूं, लोगों ने तो हंसते हंसते सिर कटा लिए हैं, अपने बेटों को मरते देखा है, कोल्हू में पेले जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई से जौ भर भी नहीं हटे। तुम भी तो आदमी हो, तुम क्यों धमकी में आ गए? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए कि इसे गोली का निशाना बना लो? पर मैं झूठ न बोलूंगा। क्यों नहीं सिर झुका दिया? देह के भीतर इसीलिए आत्मा रखी गई है कि देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। इस पाप का क्या पुरस्कार मिला, जरा मालूम तो हो? रमा ने दबी हुई आवाज से कहा, अभी तो कुछ नहीं। जालपा ने सर्पिनी की भांति फुकार कर कहा। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ईश्वर करे तुम्हें मुंह में कालिक लगाकर भी कुछ न मिले। मेरी यह सच्चे दिल से प्रार्थना है, लेकिन नहीं, तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज न करेंगे। तुम्हें कोई जगह मिलेगी और शायद अच्छी जगह मिले, मगर जिस जाल में तुम फंसे हो उसमें से निकल नहीं सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे भाग्य में लिख गया। जाओ शौक से जिंदगी के सुख लूटो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और आज फिर कहती हूँ कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई। बस जाओ, मैं औरत हूँ। अगर कोई धमकाकर मुझसे पाप कराना चाहे तो चाहे उसे न मार सकूं, अपनी गर्दन पर छुरी चला दूंगी। क्या तुम में औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं है? रमा ने भिक्षुकों की भांति गिड़गिड़ा कर कहा, तुम मेरा कोई उज्र न सुनोगी? जालपा ने अभिमान से कहा, नहीं तो मैं मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? तुम्हारी खुशी, तुम मुझे क्षमा न करोगी? कभी नहीं, किसी तरह नहीं। रमा एक क्षण सिर झुकाए खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बरामदे के नीचे जाकर जग्गो से बोला, दादी, दादा आए तो कह देना, मुझसे जरा देर मिलने, जहां कहें आ जाऊं। जग्गो ने कुछ पिघल कर कहा, कल यहीं चले आना। रमा ने मोटर पर बैठते हुए कहा, यहां अब न आऊंगा दादी। मोटर चली गई तो जालपा ने कुत्सित भाव से कहा, मोटर दिखाने आए थे, जैसे खरीदी तो लाए हों। जग्गो ने भर्त्सना की, तुम्हें इतना बेलगाम न होना चाहिए था। बहू, दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सूझता। जालपा ने निष्ठुरता से कहा, ऐसे हयादार नहीं है दादी, इसी सुख के लिए तो आत्मा बेचीब, उनसे ये सुख भला क्या छोड़ा जाएगा? पूछा नहीं, दादा से मिलकर क्या करोगे? वह होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि छठी का दूध याद आ जाता। जग्गो ने तिरस्कार के भाव से कहा, तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे मुंह से ऐसी बातें न निकलती। तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है, दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपका चुपका सुनता? मैं तो थर थर कांप रही थी कि कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ न चला दे, मगर है बड़ा गमखोर। जालपा ने उसी निष्ठुरता से कहा, इसे गमखोरी नहीं कहते दादी, ये बेहयाई है। देवी दीन ने आकर कहा, क्या यहाँ भैया आए थे? मुझे मोटर पर रास्ते में दिखाई दिए थे। जग्गो ने कहा, हाँ आए थे, कह गए हैं दादा मुझसे जरा मिल लें। देवी दीन ने उदासीन होकर कहा, मिल लूंगा, यहाँ कोई बातचीत हुई? जग्गो ने पछताते हुए कहा,
बातचीत क्या हुई? पहले मैंने पूजा की, मैं चुप हुई तो बहू ने अच्छी तरह फलमाला चढ़ाई। जालपा ने सिर नीचा करके कहा, आदमी जैसा करेगा वैसा भोगेगा। जग्गो, अपना ही समझकर तो मिलने आए थे। जालपा, कोई बुलाने तो न गया था? कुछ दिनेश का पता चला? दादा देवी दीन, हाँ सब पूछ आया। हाबड़े में घर है, पता ठिकाना सब मालूम हो गया। जालपा ने डरते डरते कहा, इस वक्त चलोगे या कल किसी वक्त? देवी दीन, तुम्हारी जैसी मर्जी, जी चाहे इसी वक्त चलो, मैं तैयार हूँ। जालपा, थक गए होगे? देवी दीन, इन कामों में थकान नहीं होती बेटी। 8 बज गए थे। सड़क पर मोटरों का तांता बंद हुआ था। सड़क की दोनों पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जाते थे। जालपा ने सोचा, दुनिया कैसी अपने राग रंग में मस्त है। जिसे उसके लिए मरना हो मरे, वो अपनी टेव न छोड़ेगी। हर एक अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाए बैठा है। देश बह जाए उसे परवाह नहीं, उसका घरौंदा बचा रहे, उसके स्वार्थ में बाधा न पड़े। उसका भोला भाला हृदय बाजार को बंद देखकर खुश होता। सभी आदमी शोक से सिर झुकाए, त्योरियां बदले उन्मा से नजर आते, सभी के चेहरे भीतर की जलन से लाल होते। वह न जानती थी कि इस जनसागर में ऐसी छोटी छोटी कनकियों के गिरने से एक हलकोरा भी नहीं उठता, आवाज तक नहीं आती। गबन उपन्यास भाग 44। रमा मोटर पर चला तो उसे कुछ सूझता न था, कुछ समझ में न आता था, कहाँ जा रहा है। जाने हुए रास्ते उसके लिए अनजाने हो गए थे। उसे जालपा पर क्रोध न था, जरा भी नहीं। जग्गो पर भी उसे क्रोध न था। क्रोध था अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वह कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है, उसका उसे केवल उस दिन ख्याल आया था जब जालपा ने समझाया था। फिर यह शंका मन में उठी ही नहीं। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशाएं बांध कर उसे बहला रखा। वह कहते, अजी बीबी की कुछ फिक्र न करो, जिस वक्त तुम एक जदाव हार लेकर पहुंचोगे और रुपयों की थैली नजर कर दोगे, बेगम साहब का सारा गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी सी जगह पर पहुंच जाओगे, आराम से जिंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा, इसकी कितनी ही आंखों देखी मिसालें दी गई। रमा चक्कर में फंस गया, फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर ही न मिला। पुलिस का रंग जमता गया। आज वह जदाव हार जेब में रखे जालपा को अपनी विजय की खुशखबरी देने गया था। वह जानता था जालपा पहले कुछ नाक भान से कोड़ेगी, पर यह भी जानता था कि यह हार देखकर वह जरूर खुश हो जाएगी। कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेक्रेटरी के नाम कमिश्नर पुलिस का पत्र उसे मिल जाएगा। 2-4 दिन यहाँ खूब सैर करके घर की राह लेगा। देवीदीन और जग्गो को भी वह अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान वह कैसे भूल सकता था। यही मंसूबे मन में बांधकर वह जालपा के पास गया था, जैसे कोई भक्त फल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने जाए, पर देवता ने वरदान देने के बदले उसके थाल को ठुकरा दिया। उसके नैवेद्य उसकी ओर ताकने का साहस न कर सकता था। उसने सोचा, इसी वक्त जस के पास चलूं और सारी कथा कह सुनाऊं। पुलिस मेरी दुश्मन हो जाए, मुझे जेल में सड़ा डाले, कोई परवाह नहीं, सारी कलई खोल दूंगा। क्या जज अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुलजिम हवालात में है। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नाचे देंगे, शायद मुझे कच्चा ही खा जायम। इसी दुर्बलता ने तो मेरे मुंह में कालिख लगा दी। जालपा की वह क्रोधोन्मा मूर्ति उसकी आंखों के सामने फिर गई। ओह, कितने गुस्से में थी। मैं जानता कि वह इतना बिगड़ेगी तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाती, अपना बयान बदल देता। बड़ा चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं जज ने कुछ नहीं सुना और मुलजिमों को बरी न किया तो जालपा मेरा मुंह न देखेगी। मैं उसके पास कौन मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रहकर ही क्या करूंगा, किसके लिए? उसने मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में न आया, कहां आ गया। सहसा एक चौकीदार नजर आया। उसने उससे जज साहब के बंगले का पता पूछा। चौकीदार हंसकर बोला, हुजूर तो बहुत दूर निकल आए, यहाँ से तो 6-7 मील से कम न होगा, वो उधर चौरंगी की ओर रहते हैं। रमा चौरंगी का रास्ता पूछकर फिर चला। 9 बज गए थे। उसने सोचा, जज साहब से मुलाकात न हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, बिना मिले हटूंगा ही नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक ही है, नहीं कल हाईकोर्ट के जजों से कहूंगा, कोई तो सुनेगा। सारा वृतांत समाचार पत्रों में छपवा दूंगा, तब तो सबकी आंखें खुलेंगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट ही में चौरंगी आ पहुंची।
यहाँ अभी तक वही चहल पहल थी, मगर रमा उसी जन्नाटे से मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई, वह रुक गया और बाहर सिर निकाल कर देखा तो वही दारोगा जी। दारोगा ने पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं गए? इतनी तेज मोटर न चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए, बेगम साहब से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वह भी आपके साथ होंगी, खुश तो खूब हुई होंगी। रमा को ऐसा क्रोध आया कि मूंछें उखाड़ लूं, पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, बहुत खुश हुई। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराजगी की वही दवा है, आप कांपे जाते थे। मेरी हिमाकत थी। चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक बाजी ताश उड़े और जरा सरूर जमे डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब आएंगे, जोहरा को बुलवा लेंगे, दो घड़ी की बहार रहेगी। अब आप मिसेज रमानाथ को बंगले ही पर क्यों नहीं बुला लेते, वहां उस खटिक के घर पड़ी हुई है। रमा ने कहा, अभी तो मुझे एक जरूरत से दूसरी तरफ जाना है, आप मोटर ले जाएं, मैं पांव पांव चला आऊंगा। दारोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप जहां चलना चाहें चलिए, मैं जरा भी मुखिल न होगा। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, लेकिन मैं अभी बंगले पर नहीं जा रहा हूँ। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जरा भी मुखिल न होगा, वही बेगम साहब। रमा ने बात काट कर कहा, जी नहीं, वहां मुझे नहीं जाना है। दारोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार है? बंगले पर भी आज कुछ कम बहार न रहेगी, वहीं आपके दिल बहलाव का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रमा ने एक बारगी आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे शोहदा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूँ। दारोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह हुआ, माफ कीजिए, अब कभी ऐसी गुस्ताखी न होगी, लेकिन अभी आप अपने को खतरे से बाहर न समझे, मैं आपको किसी ऐसी जगह न जाने दूंगा जहां मुझे पूरा इत्मीनान न होगा। आपको खबर नहीं आपके कितने दुश्मन हैं, मैं आप ही के फायदे के ख्याल से कह रहा हूँ। रमा ने होंठ चबाकर कहा, बेहतर हो कि आप मेरे फायदे का इतना ख्याल न करें, आप लोगों ने मुझे मलियामेट कर दिया और अब भी मेरा गला नहीं छोड़ते, मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए, मैं इस गुलामी से तंग आ गया हूँ, मैं माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चाहते हैं, शौक से ले जाए, मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों को कुर्बान करना पड़ा है, कोई जगह पा जाऊं तो शायद 1500 आदमियों को कुर्बान करना पड़े, मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है, आप अपनी मोटर ले जाइए। ये कहता हुआ वो मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गया। दारोगा ने कई बार पुकारा, जरा सुनिए, बात तो सुनिए, लेकिन उसने पीछे फिरकर देखा तक नहीं। जरा और आगे चलकर वो एक मोड़ से घूम गया, इसी सड़क पर जज का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी न मिला। रमा कभी इस पटरी पर और कभी उस पटरी पर जा जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चला जाता था। सहसा एक नंबर देखकर वह रुक गया, एक मिनट तक खड़ा देखता रहा कि कोई निकले तो उससे पूछूं साहब हैं या नहीं। अंदर जाने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। ख्याल आया, जज ने पूछा, तुमने क्यों झूठी गवाही दी? तो क्या जवाब दूंगा, ये कहना कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, मारने की धमकी दी, लज्जास्पद बात है। अगर वह पूछे कि तुमने केवल 2-3 साल की सजा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पर ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो गए, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी, तो उसका मेरे पास क्या जवाब है? ख्वामख्वाह लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ बनाया जाऊंगा। वह लौट पड़ा, इस लज्जा का सामना करने की उसमें सामर्थ्य न थी। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है, जो काल से भी नहीं डरते वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुंक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इसकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा ही के लिए बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं, रक्त की नदियां बह गई हैं, प्राणों की होली खेल डाली गई है। उसी लाज ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिए, शायद जेल की सजा से वो इतना भयभीत न होता। गबन उपन्यास भाग 45। रमा आधी रात गए सोया तो 9 बजे दिन तक नींद न खुली, वो स्वप्न देख रहा था, दिनेश को फांसी हो रही है। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी, चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत जालपा थी, जालपा को लोग घेर कर पकड़ना चाहते थे, पर वह पकड़ में न आती थी, कोई उसके सामने जाने का साहस न कर सकता था। तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबरा कर उठ बैठा, देखा तो दारोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े हैं और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे हैं। दारोगा ने कहा,
आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रमा ने एक कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर बाद लौट आया था। इस मुकदमे की अपील तो हाईकोर्ट में होगी ना? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी? जाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि वह अब किसी के हिलाए हिल नहीं सकता। हलफ से कहता हूँ, आपने कमाल कर दिया। अब आप उधर से बेफिक्र हो जाए। हाँ, अभी जब तक फैसला न हो जाए, यह मुनासिब होगा कि आपकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए, इसलिए फिर पहरे का इंतजाम कर दिया गया है। इधर हाईकोर्ट से फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, ये डीओ कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह की शक न हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है, आप वहाँ ये डीओ दिखाएंगे, वो आपको कोई बहुत अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर, कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं, हलफ से कहता हूँ। डिप्टी बहुत खुश हैं, वह यूपी को अलग डायरेक्ट भी चिट्ठी लिखेगा, तुम्हारा भाग्य खुल गया। ये कहते हुए उसने डीओ रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने लिफाफा खोल कर देखा और एकाएक उसको फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। ब तीनों आदमी विस्मय से उसका मुंह ताकने लगे। दारोगा ने कहा, रात बहुत पी गए थे क्या? आपके हक में अच्छा न होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? रमानाथ, इसका यह मतलब है कि मुझे इस डीओ की जरूरत नहीं है और न मैं नौकरी चाहता हूँ। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊंगा। डिप्टी, जब तक हाई कोर्ट का फैसला न हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। रमानाथ, क्यों? डिप्टी, कमिश्नर साहब का ये हुक्म है। रमानाथ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इंस्पेक्टर बाबू रमानाथ, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था वह हो गया। 10-5 दिन में हाईकोर्ट से फैसले की तस्दीक हो जाएगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो सिला मिल रहा है उसे खुशी से लीजिए और आराम से जिंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फायदा कि अफसरों को नाराज कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूँ, अफसरों की जरा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता न लगे। हलफ से कहता हूँ, एक इशारे में आपको 10 साल की सजा हो जाए। आप हैं किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आप हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। जेल को आसान न समझिएगा, खुदा दोजख में ले जाए पर जेल की सजा न दे। मार धार, गाली गुतरी, वह तो वहाँ की मामूली सजा है। चक्की में जोत दिया तो मौत ही आ गई। हलफ से कहता हूँ, दोजख से बदतर है जेल। दारोगा, ये बेचारे अपनी बेगम साहब से मजबूर हैं, वो शायद इनके जान की गाहक हो रही हैं, उनसे इनकी कोर दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना, फिर भी राजी नहीं हुई? रमा ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, वो हार यह रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, अच्छा, इसे उन्होंने नहीं कबूल किया? डिप्टी, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, कुछ उनकी भी मिजाज पुरसी करने की जरूरत होगी। दारोगा, ये तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मुनहसर है। अगर आप ख्वामख्वाह हमें मजबूर न करेंगे तो हम आपके पीछे न पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटिक से भी मुचलका ले लेना चाहिए। रमानाथ के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई, पहली से कहीं जटिल, कहीं भीषण। संभव था वह अपने को कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता, 2-4 साल की सजा के लिए अपने को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसने अपने आत्मसमर्पण का निश्चय कर लिया था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वह किसी तरह न कर सकता था। वह पुलिस के शिकंजे में कुछ इस तरह दब गया था कि अब उसे बेदाग निकल जाने का कोई मार्ग दिखाई न देता था। उसने देखा कि इस लड़ाई में मैं पेश नहीं पा सकता, पुलिस सर्वशक्तिमान है, वह मुझे जिस तरह चाहे दबा सकती है। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? उद्धरण। इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर आंखें मारी, मानो कह रहे हों, आ गया पंजे में, और बोले, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहें और मुकदमे के हाईकोर्ट में तय हो जाने के बाद यहाँ से रुखसत हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार न होंगे। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे तो वह दे दी जाएगी, लेकिन उसे लेने या न लेने का आपको पूरा अख्तियार है। अगर आप होशियार हैं तो उसे लेकर फायदा उठाएंगे, नहीं इधर उधर के धक्के खाएंगे।
आपके ऊपर गुनाह बेइज्जत की मसल सादिक आएगी। इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, हलफ से कहता हूँ। हर एक चीज जिसकी आपको ख्वाहिश हो यहाँ हाजिर कर दी जाएगी, लेकिन जब तक मुकदमा खत्म हो जाए आप आजाद नहीं हो सकते। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकूंगा या वह भी नहीं? इंस्पेक्टर ने सूत्र रूप से कहा, जी नहीं। दारोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वह आजादी दी गई थी पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। अब जब तक इसका इत्मीनान न हो जाए कि आप उसका जायज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, आप उस हक से महरूम रहेंगे। दारोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इस व्याख्या की दाद देनी चाही, जो उन्हें सहर्ष मिल गई। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमा एक सिगार जलाकर इस विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।